everyone. In this activity, we are going to compare numbers as well as to arrange in order, increasing order and decreasing order. ये activity class 1 और 2 दोनों बच्चों दोनों class के बच्चों के लिए very useful है. और इस activity में हम लोग जो props use करने वाले हैं वो हमारे fruits हैं. So that हम उनके बच्चों को fruits की importance भी साथ साथ बताते जाएं और उनको encourage करें to eat fruits. So this is healthy as well as fun activity to compare numbers. तो class 1 में बच्चों ने comparison of numbers कर रखा है. So let's quickly revise the concept. किसी भी concept को develop करने के लिए हमें उसको revisit करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा कई बार भूल चुका होता है और to brush up that knowledge कि उसको याद है कि नहीं है. तो just let's quickly revise that concept of comparison of numbers. तो इसके लिए देखिए, मैंने ये आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं जो कि बच्चों की एक्टिविटी जो किट आती है स्कूल की उसमें मिलती हैं, और वो यूज नहीं हुई थी, फिर स्कूल से वापस आ गई थी. मैंने उसको ऐसे यहाँ पे फेविकोल लगा के स्टिक कर दिया है, और ये दो स्टिक से एक लेस देन का साइन बना लिया है, इक्वल टू साइन एंड देन ग्रेटर देन साइन. इस तरह से दीज वी आर गोइंग टू यूज इन आर एक्टिविटी. ये स्टिक्स है, द सेट ऑफ दीज स्टिक्स एंड फ्रूट्स. तो यहाँ पे हम अगर छोटे नंबर्स का, लाइक सिंगल डिजिट नंबर का कंपैरिजन करने के लिए आई एम यूजिंग हियर मैंगोज. तो अगर मैं मैंगोज रखती हूँ यहाँ पे, टू मैंगोज एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पे, अब बच्चे को पूछते हैं कंपेयर करने के लिए व्हाट इज द विच नंबर इज बिगर और कहाँ पे मैंगोज ज्यादा है, क्या है, बाय यूजिंग दिस साइन. दिस इज उसे पूछना है कि लेस देन या इक्वल टू विच साइन यू आर गोइंग टू यूज, कौन सा नंबर ज्यादा. दीज आर टू मैंगोज एंड दीज आर थ्री मैंगोज. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, तो बच्चा कहेगा दीज आर ग्रेटर देन नंबर्स. ओके, दिस इज मोर इन नंबर्स. तो थ्री मैंगोज आर मोर इन नंबर्स. अब उसके लिए, अब नेक्स्ट एक्टिविटीज के लिए इसी तरह से हम कई सारे नंबर्स लेके उनको जल्दी जल्दी से टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, इक्वल टू और ग्रेटर का साइन लेके रिवाइज करवा देंगे. तो उसके लिए अब मैं जो है तो यहाँ पे मैं पोमेग्रेनेट्स ले रही हूँ, और ये लेस देन का साइन को आई एम पुटिंग इट बैक टू द प्लेस. और यहाँ पे वी टू पोमेग्रेनेट्स राइट साइड में रख दिया है, लेफ्ट साइड में दोनों रख दिए. अब तो ये क्या है, दिस इज वन एंड टू पोमेग्रेनेट्स एंड दीज आर अगेन टू. तो विच साइन इज द एप्रोप्रिएट साइन टू पिक दिस अप. तो दिस इज इक्वल इन नंबर टू एंड टू. टू इज इक्वल टू नंबर. तो यहाँ पे देखिए, बच्चे को इस एक्टिविटी के साथ फ्रूट्स के नेम भी पता चल रहे हैं, प्लस उसे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है कि व्हाट इज इक्वल, व्हाट इज लेस देन एंड व्हाट इज ग्रेटर देन. अब नेक्स्ट एक्टिविटी विल डू विद बनानास. लेट्स टेक बनाना. बनाना इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो हमें बनाना के क्वालिटीज बताना चाहिए बच्चों को, उन्हें खाना चाहिए, और फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर अस. स्कूल्स में भी प्रमोट करते हैं इस चीज को. तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कितने नंबर्स हैं. लेफ्ट साइड में हमारे हैं 1, 2, 3, 4, 5 बनानास एंड हियर 2 बनानास. ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन साइन, सो विल पुट दिस हियर. इजंट इट फन. तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से हमारा रिवाइज हो जाता है. एक दो और भी नंबर ले सकते हैं, तो जिससे बच्चे को और भी आइडिया क्लियर हो जाए कि हमारा लेस देन और ग्रेटर देन नंबर क्या है. उसके लिए देखिए, यहाँ पे मैं एप्पल्स भी ले रही हूँ. Try to introduce more and more fruits to them. Apple is very good for health. Tell them an apple a day keeps a doctor away. So apple ki importance pata hogi. Generally they don't like to eat, but my son likes to eat. So yahan pe dekhiye, ab maine 3 diye hain apples. 3 apples at left side and 3 this one. So these are equal in number. These apples are equal in number. Agar main yahan se ek apple hata dun, to which sign will be appropriate for this? This is greater. 3 apples are greater than 2 apples. 3 apples are more in number than 2 apples. Right? So let's move to more numbers, which is up to 3 digit number. For 3 digit numbers, I have made these number cards. Number cards ke liye dekhe, aap dekhenge ye ek old book thi jiska maine cardboard cut kar liya tha. और ये नंबर कार्ड्स मेरे पास पड़े हुए थे बच्चों के, उसको मैंने स्टिक कर दिया. ये नंबर्स आते हैं स्टिकेबल नंबर्स. अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं. यू कैन यूज मार्कर एंड अदर कलरफुल पेन्स एंड देन राइट द नंबर्स. 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर. एनी 1, 2, 3 डिजिट नंबर्स यू कैन टेक. नो लिमिटेशंस.
अप टू 3-डिजिट नंबर। और देखिएगा इस चीज के साथ साथ ये मैंने यूज्ड कार्डबोर्ड लिए हैं, तो आप बच्चों को प्रमोट करिए कि हमें वी शुड नॉट वेस्ट एनीथिंग, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। तो यहाँ पे यूज चीजें ही मैं ले रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी नथिंग इज वेस्टेड इन दिस। तो अब मैं अगर शफल करती हूँ कार्ड्स को, देन एंड आई गेट 3 numbers एंड पिकिंग अप 3 numbers। ओके, सो फॉर दिस नंबर्स आई गॉट 3 cards। सो सिंगल डिजिट नंबर, 2-digit नंबर एंड अ 3-digit नंबर, नंबर 9, नंबर 12 एंड 273। क्लास 2 के बच्चों को अप टू 3-digit नंबर्स पढ़ाए गए हैं अभी तक, और वो जानते हैं कि 3-digit नंबर्स क्या होते हैं। मेरे इससे पहले का वीडियो है जिसमें नंबर्स एंड प्लेसेस डिस्कस किया हुआ है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो प्लीज इफ यू वांट टू टेक एनी हेल्प प्लीज वॉच इट, इट इज वेरी यूजफुल। सो अब मैं इन नंबर्स को अरेंज करती हूँ, अरेंज इन ऑर्डर 9 एंड 12। सो 9 इज द सिंगल डिजिट। अब ये इस तरह के नंबर्स को अरेंज करने के लिए रूल क्या होता है, तो बेसिक रूल जिसका होता है वो ये होता है, 9 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर टू डबल डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद आता है 12 एंड बिकॉज 3, जितने भी डिजिट्स बढ़ते जाएंगे नंबर उतना बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पे 12 हैज 2-digit नंबर एंड दिस नंबर हैज 3-digit नंबर्स, सो दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर 9, 12 एंड 273। सो दीज नंबर्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। If I reverse the digit, then this is in decreasing order. 273 at one place, at first place, and then this, and this is in decreasing order. If I add more numbers or take more numbers, my daughter has joined in. She also wants to learn the numbers. So let's see what we can do. So I'm taking more numbers today. Yes. So I have got 4 cards here. So this is 3. 3 is the smallest number. 9 is bigger than 3, and then 26 because it has 2-digit number, 2-digit number, and then 273 again. Okay, that's it. I hope you like the video. If you like, please share and subscribe to my channel. Thank you.